हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीएसएल काकरा पार गुजरात साइट रिजल्ट अपडेट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल वीडियो प्रोवाइड किया था कि एनपीएसएल काकरा पार के रिजल्ट प्रिपेयर हो चुके हैं और अब आपके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, तो आज आपके रिजल्ट जारी किए गए हैं। तो हम देखने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट का आज रिजल्ट जारी किया गया है और बाकी की पोस्टों के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट एचआर का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और इसके अलावा एसटीएसए इलेक्ट्रिकल इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। इसका रिजल्ट आपके 20 जनवरी 2024 को जारी किया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड काकरा पार गुजरात साइट, और ये आपके इसका नंबर है के गुजरात साइट एचआरएम रिजल्ट AGHR 2024-08 एडवर्टाइजमेंट नंबर काकरा पार गुजरात साइट HRM 01-2022। और यहाँ पर जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, और आप यहाँ पर नाम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 60 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है और इनका स्किल टेस्ट का शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं वो अपना नाम, रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट एचआर एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे वो अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि कौन सा रिजल्ट जारी किया गया है। तो इसके अलावा आपके इलेक्ट्रिकल का रिजल्ट जारी किया गया है। आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं 20 जनवरी, और यहाँ पर आपके लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू इन ऑर्डर ऑफ रोल नंबर हु अपेयर रिटर्न एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट एसटीएसए इलेक्ट्रिकल K1। तो आपके इलेक्ट्रिकल K1 का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। जो भी कैंडिडेट K1 इलेक्ट्रिकल एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे वो अपना रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल 65 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, और आपके इंटरव्यू का शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। और आज आपके और भी रिजल्ट आने की संभावना है। यदि और भी रिजल्ट जारी किए जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, और यदि आज रिजल्ट नहीं आता है तो आपके नेक्स्ट वीक और फरवरी फर्स्ट वीक तक सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको कल भी इन्फॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसके तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जो भी कैंडिडेट चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको फ्यूचर में हर प्रकार की अपडेट्स मिल सकें। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।